सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। अब कल हमने पढ़ा था पिछली वीडियो के अंदर जो हिंद प्लेन है हमारा ये वाला, इसके तीन पार्ट है, पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम। सेरिबेलम हमारी बॉडी को बैलेंस करता है, स्पीच को कंट्रोल करता है, मस्कुलर मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसको छोटा दिमाग भी बोलते हैं, स्मॉल ब्रेन भी बोलते हैं। आज हमने बात करनी है मेडुला की, इसको हम मिटे लेते हैं। आज हम बात करेंगे जो हमारा हिंद प्लेन का है पार्ट मेडुला। जो मेडुला है एक्चुअल ये बायोलॉजिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता है। क्या करता है ये? बायोलॉजिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता है। अब ये क्या होता है? जो जैविक क्रिया हमारे शरीर में होती है, जो जैविक क्रिया होती है, जो अपने आप हमारे शरीर के अंदर काम हो रहे हैं, हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम कि वो हमारे शरीर के अंदर क्या क्या हो रहा है, अपने आप कौन कौन सी क्रिया हो रही है हमारे अंदर। जैसे हमने पढ़ा है पीछे, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है अपने आप, हम सोए हों, जागे हों, कुछ भी करें, हमने कुछ नहीं करना उसमें। पहले नंबर पे क्या आ गया? ब्लड का सर्कुलेशन। कभी हमने अपने ब्लड को आगे पीछे किया है या उसको तेज या कम किया? नहीं। ऑटोमेटिक ये बायोलॉजिकल रिएक्शन हो रहा है हमारे शरीर के अंदर। इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा मेडुला, मेडुला वाला पार्ट। ओके, फिर उसके बाद जैसे हमने पढ़ा था, हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन सिस्टम है वो वाला, उसको भी ये कंट्रोल करता है। मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं तो अपने आप सांस नहीं चल रही है ना। रात को सोता हूं, जागता हूं, कहीं जाता हूं, कुछ भी करता हूं, उसके ऊपर किसका कंट्रोल है? हमारा मेडुला का। मेडुला इन चीजों को कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन सिस्टम। और क्या आ गया? हमारी हार्ट बीट, नंबर तीन पे हार्ट बीट, उसको भी यही कंट्रोल करता है, बिना किसी को बताए, बिना किसी को कुछ भी किए। अब अगला क्या है? अभी मैं खाना खा के आया हूँ, मेरे शरीर के अंदर डाइजेशन हो रहा ना, शुरू हो गया ना, तकरीबन डेढ़ दो घंटे हो गए। आपको मैंने बताया था कि तकरीबन एक डेढ़ घंटे के बाद डाइजेशन शुरू हो जाता है, तो हो गया शुरू वो, और डाइजेशन को भी ये ही कंट्रोल करता है। ओके, अब आगे आ गया, डाइजेशन तो हो गया, अब उसका जो मल निकलेगा एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन जो हमारा मल बाहर निकलना है, अपने आप निकलेगा ना, हम कुछ करते थोड़ी हैं। वो अलग बात है कि किसी को कब्ज हो तो हम कुछ मेडिकल दवाइयां खा के, कुछ मेडिसिन खा के उसको थोड़ा सा मल को बाहर निकालते हैं, उसमें हेल्प करता है, मगर सारी उम्र तो अपने आप ऑटोमेटिक होता है ना। जब ये पांच क्रिया हमारी, इनमें से कोई भी एक
जो बायोलॉजिकल रिएक्शन हमारा हो रहा है एक भी बंद हो गई तो क्या होगा, हम भी बंद हो जाएंगे, हमारा सब कुछ बंद हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन हमारा रुका तो हमारी डेथ उसी समय हो जाएगी, रेस्पिरेशन हमारी सांस अंदर जाने बंद हुई तो हमारी डेथ उसी समय हो जाएगी, हार्ट बीट हमारी बंद हुई, दिल ने धड़कना बंद किया तो हमारी डेथ उसी समय हो जाएगी। डाइजेशन, अगर हम जो खाते हैं वो माल पचे ही ना, कईयों को दिक्कत होती है, तब भी डेथ हो जाएगी, मगर थोड़ा टाइम लगता है कि धीरे धीरे कमजोर होते जाएंगे, डाइजेशन भी होता ना, हमारे शरीर को जो प्रोटीन चाहिए था, जो कैलोरी चाहिए थी वो मिक्स नहीं हो रही, तो हमारी डेथ निश्चित है। फिर है एक्सक्रीशन, जो हम खाते हैं उसका बाहर निकलना भी जरूरी है। कहते हैं जिसका पेशाब रुक गया या हिसाब रुक गया उसकी डेथ हो जाती है, ये पुरानी कहावत है कि जिस आदमी का हिसाब रुक गया, हिसाब मीन्स कैलकुलेशन, या जो हम बिजनेस करते हैं उसके अंदर हिसाब किताब जो है लेन देन, या पेशाब रुक गया उसकी डेथ निश्चित है, या फिर जिसके पार्टी आनी बिल्कुल बंद हो रही, आए ही ना पार्टी तो अब क्या कर लोगे, जब गंध अंदर से नहीं निकला तो धीरे धीरे उसकी भी डेथ हो जाएगी। इनमें से कोई भी एक हो तो ये तीन से तो एकदम से डेथ हो जाती है, ये दो में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये जो है मेडुला बायोलॉजिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता है। कुछ क्रिया हमारे क्रिया भी हमारी दो प्रकार की होती है, जैविक क्रिया है रिएक्शन दो किस्म, एक तो ये हो गई यहाँ पे तो आदमी ने मरना ही मरना है, एक हो गया कुछ हमारे जैविक क्रिया ऐसी होती है जिससे हमारी डेथ नहीं होती, वो भी आपको बताता हूँ क्या है, ये लिखते हुए छोटा छोटा इसको मिटे लूँ, मिटे देता हूँ। ब्लड सर्कुलेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट बीट, डाइजेशन और एक्सक्रीशन, मतलब पॉटी वगैरह आना या पेशाब आना, शरीर से माल वगैरह बाहर निकलना। और जो दूसरा है उससे हमारी डेथ नहीं होती, उसमें सबसे पहले क्या है, हमारा हिचकी आना, हिचकी आना ये मेडुला जो है हमारा ये कंट्रोल करता है कितनी देर तक हिचकी आएगी और कब तक वो आती रहेगी। अब हिचकी जो है हमारी आती क्यों है, हमने पढ़ा था डायाफ्राम के बारे में, जब डायाफ्राम के अंदर वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है तो वो जब बाहर निकलती है तो हिचकी, उसको हिचकी बोलते हैं। अब जब तक वो नहीं निकलेगी उसका एक सीधा सा तरीका, आप जोर से सांस लीजिए, छोड़िए, ऐसे 5-10 बार कीजिए, आपकी हिचकी आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि वो हमारे अंदर अब ऑक्सीजन चलेगी ना, एयर गई, एयर में से ऑक्सीजन वो वहाँ पे ट्रांसफर होगी और कार्बन डाइऑक्साइड सारी हमारी बाहर निकल गई तो ये हिचकी आनी बंद हो जाती है। कई कहते हैं पानी पी लो, कई कहते हैं कि मेरे को किसी ने याद किया है, याद नहीं किया, कार्बन डाइऑक्साइड ने याद किया आपको, ओके, कोई याद वाद नहीं होता। अब अगला है स्नीजिंग, नीचे आने बहुत ज्यादा, वो भी जो है कंट्रोल कौन करता है, हमारा वाइसर कौन सा, मेडुला। डकार आने, हम खाना खाते डकार आते आ करते हम, तो डकार आना भी कौन कंट्रोल करता है, हमारा मेडुला, ओके। उबासी आना,
उसको भी कौन कंट्रोल करता है? हमारा उबासी, यहां कहते हैं इसको, इसको भी हमारा कंट्रोल करता है मेडुला। कोल्ड एंड कफ हो जाए, खांसी जुकाम हो जाए, उसको भी हमारा मेडुला ही काम करता है। जब हम आंखें झपकाते हैं, आंखें झपकाते हैं ब्लिंकिंग का वाइज, इसको भी हमारा मेडुला ही काम करता है। ये जो ये भी रिएक्शन हमारे शरीर से हो रहे हैं ना, जो बायोलॉजिकल रिएक्शन हो हमारा शरीर कर रहा है, ये तो बाहर के हैं, वो अंदर के थे। अंदर में से कुछ अगर प्रॉब्लम होगी तो हमारी तो छुट्टी होना तय ही है, मगर इनमें से अगर कुछ भी हो जाए, इनमें से अगर हमारे को कुछ भी चीज हो जाए, हिचकी लग जाए बहुत ज़्यादा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आदमी की डेथ नहीं होगी, या खास नीचे आ जाए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा, या कोल्ड कब भी हो जाए तब भी कुछ नहीं होगा, या हमारी आई ज़्यादा ब्लिंकर करने लगे तब भी कुछ नहीं होगा, या डकार आने शुरू हो जाए तब भी कुछ नहीं होगा, उबासी आनी शुरू हो जाए तब भी हमारी डेथ तो नहीं होगी ना, कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाएगा। तो ये जितने बायोलॉजिकल रिएक्शन हैं जिनके ऊपर कंट्रोल किसका है? मेडुला का। तो हमने अब यहाँ तक तो बात कर ली मेडुला की, अब लगे हमारे पॉम पॉम्स, जो हमारा जो तीसरा चला पॉम्स, ये बिल्कुल तो छोटा सा है, इसी के अंदर इसको भी खत्म कर देते हैं। अब क्या क्या करो, जैसे आपने एक बार वीडियो सुन ली, सामने कागज पर रख लो, वो जो जो आपने नोट करना लिखते जाओ आप। एक बार दोबारा सुनोगे तो आपको सब कुछ याद भी हो जाएगा, और साथ में लिखा होगा तो आपके नोट्स भी बन जाएंगे। मैं किसी को कोई नोट्स नहीं देने वाला, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पढ़ाई करके उसके नोट्स भी बनाऊँ और आपको फ्री में भी दूँ, तो बिल्कुल टाइम नहीं है। आप खुद नोट्स बनाइए, खुद नोट्स बनाओगे आपको याद रहेंगे, अगर कॉपी करके नोट बनेंगे तो मैं कॉपी भेज दूंगा तो उसको आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। नेक्स्ट है हमारा पॉन्स, इसको हम वलोली भी बोलते हैं, पॉन्स को हम वलोली भी बोलते हैं। ये जो है हमारा रेस्पिरेटर सिस्टम है, उसको कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है ये। यहां मैंने सिस्टम लिखा है, सिस्टम का मतलब क्या है कि हवा हमने नाक से ली, फिर उसके आगे कहाँ आई? हमारी वोकल कॉर्ड में, फिर हमारी श्वास नली में गई, फिर हमारे कहाँ गई? लंग्स के अंदर। जो पूरा उसका आपको मैंने पढ़ाया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम सारे को कंट्रोल कौन करता है? हमारा लोली या पॉन्स, या सीधा सीधा बोल दो हमारा जो हिंड ब्रेन है, ये वाला ब्रेन ये वाला काम करता है। आज हमारा ये वाला हिंड ब्रेन खत्म हो गया, फिर हम बात करेंगे फोर्थ ब्रेन और मिड ब्रेन की। तब तक के लिए आप भी चाय काफ़ी पी लो, मैं भी पी आता हूँ। तब तक नमस्कार, हैव अ नाइस डे।